कितना हंगामा हो गया ना ये हमारा इधर यहाँ का सिक्योरिटी हो। इसमें क्या क्या हुआ था इसमें? इसमें कल रात का 11:30 को 100 लड़का 100-200 आदमी करके हमारा ये सिक्योरिटी रूम को भी तोड़ इधर से तोड़ के आया। हम लोग पूरा गेट को बंद किया तो इधर से ही गुस्सा है तोड़ फोड़ के लाओ कटने वाला कत्ता पिस्तौल पूरा पारिंग वारिंग करके और लाती ये करके हम लोग को पहने मेरा खुद ही का स्कूटी को भी हम जलाते हुए देख रहा था। वो पहने क्या करेगा भाई ये लड़का लोग पूरा ये में होश में नहीं था लेकिन तो पारिंग किया बोल के हमारा आदमी को मराया बोल के पुलिस लोग मरा दिया इसलिए तो अभी ये करना पड़ेगा बोल के ऐसा करके तो हम लोग को पहले क्या कर सकता है। लेकिन आप तो यहाँ पे ड्यूटी रहते थे ना लेकिन जो लड़का लोग ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे नहीं, 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 आपका विचार में क्या है? चाहता दूसरा वो ये लोग बड़ा मंत्री लगा जो जो ये PRC जो इशू करेगा बोलने बोला इसमें जाना था इधर में तो कुछ करना नहीं था इसमें क्या गलत हुआ इसमें नहीं करना चाहिए था तो उधर बड़ा मंत्री लोग जो जो PRC का कमिटी चेयरमैन ये लोग को इसी का घर में जाके इसी को ही करना था। ये जो कन्वीनियंस सेंटर हमारा अपना ही प्रॉपर्टी है किसी कोई ऑफिसर इधर का ऑफिसर जो कोई गलत नहीं किया तो इसको करना ही नहीं चाहता जिसे हमारा आबूतानी को भी जला दिया आबूतानी का ये मूर्ति को भी जला दिया इसको भी नहीं करना चाहिए अपना बाप का ये मूर्ति ये को भी जला दिया इसको भी हम इतना रिक्वेस्ट किया प्रार्थना किया है भाई लोग इसको मत जला उठे फिर भी मना नहीं होंगे हर घर से अभी तो शुरुआत हो रहा है जो इनकेस PRC इशू कर रहा है बोलने से तो हर घर बच्चा अभी निकल जाएगा हर घर से हर एक परिवार से हमारा इधर ट्राइबल आदमी जो पूरा निकल जाएगा लोग जाके इधर अरुणाचल पूरा ये हो जाएगा ऑफिस हर ऑफिस कोई बचेगा क्या पूरा तौर पर मैं भी खुद ही ये इधर गवर्नमेंट का नौकर हूँ फिर भी मैं भी साथ दूंगा। कॉलोनी का आदमी का तरफ से बिल्कुल ये कल का काम सही था और हम उसको अप्रिशिएट करता है हम लोग भी गवर्नमेंट का कर्मचारी होने से भी ये काम जो कल का किया जो गोली बार किया वो बिल्कुल गलती था। सबसे पहले वो लाठी चार्ज करना चाहिए था ना आपका फोर्स लुक ना ऐसे था तो लेकिन भी मार दिया मारने का कारण से यहाँ बहुत ऐसे ओ के प्रॉब्लम हो गया पूरा हंगामा मचा दिया सब कुछ तोड़ फोड़ हो गया ऐसे जो भी डिसीजन स्पेशली PRC इशू को तो मेरा तरफ से बोलने से तो आप सेंसस लेना चाहिए जैसे कि ओपोजिशन नेता तकम पारियो जी ने कहा ना कि वो बोला कि आपका स्टेट का सेंसस लेना है ना स्टेट का सेंसस लेना है स्टेट का पॉपुलेशन वोटिंग कास्ट करना है उसको देख के आपका डिसीजन PRC इशू को लेना चाहिए क्योंकि PRC इशू जो एक इंडिविजुअल इशू नहीं है वो जो सब कॉमन कोस का है वो सब एक आम जनता का इसलिए कल पूरा जनता साथ दिया पूरा पब्लिक पूरा स्टेट का कितने का पब्लिक पूरा साथ दिया साथ देते हुए उसने पूरा मॉरल में साथ दिया किसी को कोई इंडिविजुअल में काम नहीं हुआ सब पब्लिक उसका साथ देखी कल काम किया है ना और आने वाला दिन में भी ऐसे होगा आपका PRC इशू को गलती से आप दे देगा तो आप लोग ये जॉइंट हाई पावर कमेटी बोल के आपका जो MLA लोग बनाया गया MLA को कौन बनाया गया है आम जनता बनाया तो ना तो मेरा हिसाब से इस पर हम लोग आम पब्लिक का हिसाब से आप आम पब्लिक का वोट लेके डिसीजन को लेना चाहिए ना आम पब्लिक का डिसीजन लेके आप डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहिए और PRC को लेने से सीधा सा बात है इशू करने से पूरा पब्लिक खत्म हो जाएगा पूरा यहाँ अरुणाचल शमशान घाट रह जाएगा तो मेरा तरफ से मैसेज वही है।